दोस्तों, ये है ओप्पो का रेनो 8 5G, जो कि आज के वीडियो में इस फ़ोन का हम कैमरा टेस्ट करने वाले हैं। इस फ़ोन का जो अनबॉक्सिंग है, जो चार्जिंग टेस्ट है, वो मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं। तो आज के इस वीडियो में इस फ़ोन का हम कैमरा टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये फ़ोन आपको कैमरा कैसा प्रोवाइड कर रहा है, कितना अच्छा इसमें आपको कैमरा मिल रहा है, कितना अच्छा से आप फोटो ले सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कैसा कर सकते हैं, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बैक साइड में जो है आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलेगा, जिसमें आपको सोनी का सेंसर दिया गया है, और जो फ्रंट में है उसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी दिया गया है। इसमें भी आपको सोनी का ही सेंसर यूज किया गया है। इसके अलावा बैक में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, और जो तीसरा है आपको 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे माइक्रो सेंसर दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस फोन के बैक कैमरा से। तो बैक कैमरा से दोस्तों इसका जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, मतलब स्टेबल काफ़ी सही से की कर रहा है फोन। ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग में डिटेल है दोस्तों, वो भी आप देख सकते हैं, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कलर्स है वो भी काफ़ी सही है, और जो स्टेबिलिटी है कह सकते हैं कि ओके है, यहाँ पर कोई दिक्कत मुझे नहीं लगा। लेकिन अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में दोस्तों इसका जो स्टेबिलिटी है काफ़ी कह सकते हैं कि उतना अच्छा नहीं है, उतना क्या कह सकते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। हालांकि जो डिटेल है दोस्तों वो कह सकते हैं कि डिसेंट है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक दिक्कत लग रहा है इसके फ्रंट कैमरा में। जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप डायनेमिक रेंज ध्यान देंगे तो दोस्तों इसका जो डायनेमिक रेंज है फ्रंट में उतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल कह सकते हैं कि व्हाइट जैसा कर दे रहा है। वहीं जो बैक कैमरा है इसमें जो आपको डायनेमिक रेंज है वो ठीक देखने को मिल रहा है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग इस फोन का जो कर सकते हैं कि डिसेंट है, बैक कैमरा से अच्छा है, फ्रंट कैमरा से कर सकते हैं कि उतना अच्छा नहीं है। हालांकि ओके कर सकते हैं, बढ़िया दोस्तों एक्सीलेंट नहीं कर सकते हैं। अगर फोटो की बात करते हैं तो इसका जो रियर कैमरा है, रियर कैमरा से आप काफ़ी अच्छे से फोटो निकाल सकते हैं, काफ़ी अच्छे डिटेल भी आते हैं। बैक कैमरा से अगर फोटो में डायनेमिक रेंज की बात करें तो काफ़ी सही आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं जो डायनेमिक रेंज है काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। वहीं फ्रंट कैमरा से जो फोटो लेते हैं इसमें जो आपको डायनेमिक रेंज मिलेगा दोस्तों बिल्कुल बेकार मिलेगा। आप देख सकते हैं जो डायनेमिक रेंज है बहुत ही खराब देखने को मिल रहा है सेल्फी कैमरा से। आप देख सकते हैं पूरी तरह से फोटो यहाँ पे व्हाइट हो चुका है बैकग्राउंड में, यानी दोस्तों जो डायनेमिक रेंज है बहुत ही बेकार आ रहा है। हालांकि जो स्किन टोन है दोस्तों वो काफ़ी सही से मेंटेन करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में यहाँ कर सकते हैं कि जो डायनेमिक रेंज है वहाँ पे अगर आप पुश करते हैं तो जो स्किन का फेस है दोस्तों यहाँ पे ब्लैक हो जा रहा है, यानी जो लाइट है दोस्तों बहुत ही फेस पे कम आ रहा है, जिससे फोटो सही नहीं आ रहा है। तो इस फोन का जो बैक कैमरा है दोस्तों इसमें आप डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहा है, चाहे हम बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग में या बात करते हैं दोस्तों फोटो में। वहीं जो सेल्फी कैमरा है इसमें जो आपको डायनेमिक रेंज है, चाहे हम बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग में या बात करते हैं फोटो में, उतना अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहा है। इसके अलावा इसके बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से आप बोके मोड में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और आप सैंपल भी देख सकते हैं। इसका जो बैक कैमरा है बोके मोड में काफ़ी अच्छे से रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो एज डिटेक्शन है वो भी काफ़ी सही से मेंटेन कर रहा है, और सेल्फी कैमरा भी आप देख सकते हैं, बस वही दिक्कत है थोड़ा सा जो व्हाइट टोन है थोड़ा सा यहाँ पे कर दे रहा है, बाकी जो एज डिटेक्शन है यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहा है। तो इस फोन से आप चाहें तो बैक और फ्रंट दोनों से आप बोके मोड में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन देखने को आपको जरूर मिल रहा है। चलिए अब इस फोन का हम लोग लो लाइट में थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा फोटो आ रहा है। तो लो लाइट में आप देख सकते हैं इसके बैक कैमरा से फोटो लिया गया है, और लाइट जो था यहाँ पे बहुत ही कम था, और देखें तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मेंटेन किया है लो लाइट में। हालांकि डिटेल दोस्तों उतना बेटर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ठीक है, जैसा लाइट कंडीशन था उस हिसाब से कह सकते हैं कि फोटो यहाँ पे डिसेंट है। वहीं अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो सेल्फी में भी दोस्तों लो लाइट में काफ़ी अच्छे से फोटो ले लेता है। आप कुछ सैंपल हैं यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मेंटेन किया है। डिटेल कह सकते हैं कि उतना टॉप क्लास का नहीं है, फिर भी ओके कह सकते हैं। और दोस्तों चलिए कुछ सैंपल हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों इस फोन का आप कैमरा सैंपल बहुत सारा देख चुके हैं और अंदाज़ा लग गया होगा कि इस फोन का कैमरा आपको कैसा परफॉर्म कर रहा है। वैसे दोस्तों आपको इस फोन का कैमरा कैसा लगा, कैमरा सैंपल्स कैसे लगे, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कैसा लगा और आप इस फोन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।